तो ये वीडियो मेरी और मेरी फैमिली के लिए थोड़ी स्पेशल है कि जिंदगी वही लौटना चाहती है जहां दोबारा जाना मुमकिन नहीं होता। बचपन, मासूमियत, पुराना घर, पुराने दोस्त। चलो बच्चों, एंजॉय हो गया। हेलो, वी आर गोइंग। आपके कैसे रिएक्शन है हमारा घर भी? मैं तो नहीं जा सकती। किरणा पैंदा जिथे ओ रखे, खेणा पैंदा हो जिंदगी नाल पके। आले क्या हो गया लोग ले। In a few months, blessed with a new house. वोट थोड़ी मांगना है। चालू है वीडियो। आपको हमारा घर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है मैं कि ताज सोनीपत के ताजमहल में आ गया हूँ। ताजमहल में पर हमारी मुमताज तो मुमताज तो है हमारी। तो राजा को भी नहीं, ऐसा है वो जो ताजमहल है मुमताज के जाने के बाद बना था। हमने सोनीपत का ताजमहल जीते जी मुमताज को गिफ्ट किया। बहुत सुंदर घर है। सोनीपत में आते हुए 20 साल हो गए, पहली बार मैंने ऐसा घर देखा। नहीं, नहीं, ऐसा घर आज से पहले सोनीपत में कभी ऐसे करो जो मच जाए। सोनीपत में देखने को मिला नहीं। पहले मुझे लगता ही नहीं था मैं सोनीपत। मामी आपको हमारा घर कैसा लगा? खुश रहो। ऑडियंस को मजा नहीं आया। तभी कहती मेरे इंटरव्यू ले आ गए। ये सोनीपत कैसे डिसाइड किया गया? हम क्या करते हैं, हम जब भी कोई चीज लेते हैं तो सब एक के साथ एक फ्री लेते हैं। तो इस टाइम खाने के साथ तो खाना भी देखो पहले ही निकल गई। तो अंदर घुसते ही हमारा पार्किंग एरिया आ जाता है। यहाँ पे आप 15-20 गाड़ियाँ, छोटे बच्चों के खिलौने जैसी वो साइकिल वाली, वो खड़ी कर सकते हैं। एक हमारी खिलौना भी खड़ा है यहाँ पर। चलिए अब अंदर लेके चलते हैं आपको। तो दरवाजे से अंदर घुसते ही हमारा लॉबी एरिया आ जाता है। ये सोफे ड्राइंग रूम बना रखा है यहाँ पर, बना गया यही है। यहाँ ये यहाँ पे हमारी किचन है। ये ओल्ड स्कूल फ्रिज है भाभी का। दरवाजे के पीछे इस साइड आपको मंदिर दिख जाएगा यहाँ पर। ये वॉश बेसिन है यहाँ पर। और ये हमारा बाथरूम है, यहाँ पे हम लेट भी सकते हैं।
कि यहाँ पे हमारे दो कमरे हैं, पहले कैमरामैन का कमरा दिखा दो। आ कैमरामैन, ये कैमरामैन का फोल्डिंग है, ये मेरा बेड है। आजा आजाओ, स्टोर रूम भी है एक, इसके अंदर कपड़े वपड़े ये बुक्स भी आ रहे हैं। यहाँ बंद कर दो। ये भाभी का कमरा है, भाभी मतलब हमारी दादी। दिखाओ अपना कमरा दिखाओ, अरे खुद ही दिखा ले। कुछ नहीं है, यहाँ बेड पड़ा है, अलमारी है बस। अब पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ, पीछे। ये यहाँ पर हमारा वेंटिलेशन एरिया है, ऊपर दिखाओ ऊपर, अबे बाहर आके दिखा ना। ये पीछे वॉशरूम है कैमरामैन के। अरे लिफ्ट एरिया है यहाँ पर, लिफ्ट हमने घर में लिफ्ट भी लगवाई है। आइए, ये लिफ्ट अभी कैमरामैन को भी नहीं पता। आजा आजा, देखिए लिफ्ट एरिया। आज ये वो आपको ऊपर अपने कमरे का दर्शन करा के लाता हूँ। कैमरामैन फास्ट, चप्पल उतार दो चप्पल कैमरामैन। यहाँ अंदर घुसते यहाँ पर दोबारा लॉबी एरिया आ जाता है। फिर सबसे पहले आपको मेरे कमरे में लेकर चलते हैं। ये मेरा कमरा है, ये मेरा मंजा है, ये मैं हूँ, और ये हमारी एडिटिंग हो रही है। यहाँ पे हमारा वो थिएटर एरिया, ये पर्दे खुलते हैं, पर्दे पर्दे खुलते हैं, फिर फैशन शो चालू होता है। आपको सब नहीं दिखाते। फिर यहाँ पर दोबारा वेंटिलेशन एरिया आ जाता है। ऊपर दिखा, ऊपर देख आसमान, मम्मी पापा का कमरा। ये गैलरी एरिया, यहाँ पर आप लेट भी सकते हैं। ओए होए, क्या ठंडी ठंडी हवा चल रही है, ऐसा लग रहा है कश्मीर की वादियों में आ गया हूँ और मेरी स्किन सड़ रही है। बस इतना ही था हमारे घर का सफर। ऊपर मोंटी है, यहाँ पानी की टंकी है जिसमें गरम गरम पानी आ रहा है आजकल। बहुत ने रुपये हिस्से जो भी साडे आए, जिन्ना दत्ता मालिक ने सैटिस्फाए, लीड़े लत्ते मित्रा ने सब ने हंडाए, जिन्ना दत्ता मालिक ने सैटिस्फाए। कदे वंडा कदे